आज का मार्केट जो है ओटीसी मार्केट है, और अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपये मैंने वहाँ पर अमाउंट सेट कर लिया है। ट्रेंड यहाँ पर डाउन है, तो हम यहाँ पर डाउन की अपॉर्चुनिटी ही लेंगे मार्केट में, ठीक है। ऊपर से एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न बन चुका है यहाँ पर। पहले मैं मार्केट को देख लेता हूँ कि मार्केट कैसे यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करी थी, ठीक है। यहाँ से एक डब्लू का पैटर्न बना हुआ था, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की ओर गई थी, ओके। तो अभी ये सेलर इंटर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंटर कर रहे हैं। तो मैं पहले अच्छे से देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं वहाँ पर निकल लाइन है जो, ठीक है, ये वाला एम का निकल लाइन है यहाँ पर, तो चल के आ रहा है मार्केट में वो। अच्छे से मैं पहले देख लेता हूँ, इसी के बाद मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। कि यहाँ से क्या मुझे कोई पुट डायरेक्शन की ट्रेड मिलती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बायर्स आया है, ओके, ठीक है। मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन ही बनेगी, ओके, कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ओके। अभी वेट कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हम प्लेस करेंगे। अभी इस कैंडल को देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इसको भी, ओके। एंट्री पॉइंट थोड़ी ऊपर लग चुकी है मेरी, ठीक है। यहाँ पर कैंडल ग्रीन ही बनी है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रेड जो है वो रिफंड हो चुकी है, ओके। ट्रेड जो है वो ट्रेड मेरी रिफंड हो चुकी है दोस्तों, ओके, ठीक है। एक मुझे सेलर की पुश चाहिए ट्रेड लेने के लिए, तभी मैं यहाँ पर सेलर के साथ जाऊँगा, ठीक है। मैं यहीं से ट्रेड ले लेता हूँ सेल डायरेक्शन की, ओके। मैंने यहाँ से 2 ट्रेड पुट डायरेक्शन की प्लेस कर दी है, ओके। मैंने यहाँ पर, ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या है सीन, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड डाउन है, तो मैं डाउन की अपॉर्चुनिटी सोचूंगा, ओके। यहाँ पर अभी देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस कर दिया है, अभी क्या होता है इसकी क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। इसने क्या किया, गैप अप किया है ये कैंडल शायद, ओके, नहीं किया है गैप अप, ठीक है। ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है और एक रिफंड हुई थी, ओके, ठीक है। यहाँ पर बायर्स का कैंडल बना है दोस्तों, बट सेफ्टी मार्जिन से मेरी ट्रेड लगी हुई थी, ओके। 2 ही बायर आए हैं, अभी देख लेते हैं कैंडल को, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है अपर साइड से, बट ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि मार्केट में 2 कैंडल्स बनी है, वो एक नेक लाइन से बनी हुई है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का 50% भी है वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का 50% है वहाँ पर, वहीं से ये 2 कैंडल्स बनी हुई है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी कैंडल ग्रीन पर कन्वर्ट हो रही है अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे बायर्स अवेलेबल है मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। इसने रिकवर किया है, तो यहाँ से मैं पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ट्रेड थोड़ी मेरी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, कैंडल यहाँ पर क्या कर रहा है, कैंडल यहाँ पर गैप अप किया है, ठीक है, गैप अप किया है, यही रीज़न है कि ये गैप अप कहाँ पर कर रहा है, नेक लाइन पर कर रहा है गैप अप, तो हो सकता है कैंडल यहाँ से ग्रीन बन जाए, ओके, क्योंकि कैंडल ने ओपनिंग दी है नेक लाइन पर। तो अभी देख लेते हैं इसका रिजल्ट आ जाए, ओके। बट नीचे से मुझे सेलर ही बोल रहे हैं कि हम नीचे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर वेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। सेलर आ रहा है नीचे, नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर ओवरलैप का लेवल है और मॉर्निंग स्टार का की लेवल भी है, ओके। अभी देखते हैं ओवरलैप से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है कैंडल्स को, ठीक है, ओके। बायर्स एक्टिव हैं इस कैंडल पर, और इसने यहाँ पर गैप डाउन किया है, ओके।
ठीक है, गैप डाउन हुआ है, बायर्स एक्टिव हैं इस कैंडल पर, तो यहाँ पर थोड़ी वेट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि इसने लॉन्ग विक छोड़ दिया है नीचे की साइड, तो फुलफिल हो सकता है उसका। ठीक है, पीपीआर कर सकते हैं सेलर, तो मैं इस कैंडल का भी वेट करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका विक का फुलफिल हो सकता है। इस कैंडल पर नोटिस करते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। सेलर रिकवर कर रहा है, इसका रिएक्शन आप नोट करते रहना। ओके, बायर्स ने पुश किया है उसको, ठीक है, कैंडल यहाँ पर ग्रीन पर कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, ठीक है, गैप अप हो गया है गाइस। ओके, गैप अप हो चुका है, एक सेलर की पुश चाहिए तभी मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा सेल डायरेक्शन की। ओके, मैंने यहाँ से कॉल पुट डायरेक्शन की प्लेस कर दी है ट्रेड, तो अभी देख लेते हैं। वहाँ पर सेलर्स एक्टिव था, जहाँ पर मैंने ट्रेड लगी हुई है मेरी ट्रेड, वहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग पुश किया था इस ग्रीन कैंडल को, बट यहाँ पर हो सकता है कि सेलर अपना कैंडल नहीं बना पाए। ठीक है, वेट कर लेते हैं, इसकी क्लोजिंग मैटर करती है कि ये कहाँ पर क्लोजिंग करती है। अभी तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे मैंने वहाँ पर सोचा था, समझा था, उसके हिसाब से मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, बट यहाँ पर मार्केट ही बताएगा कि कौन सी कैंडल बन रही है और कहाँ बन रही है, कहाँ पर क्लोजिंग कर रही है। ओके, वो यही मैटर करेगा। ठीक है, ओके, ट्रेड मेरी यहाँ पर ओके विन हो चुकी है, सेफ्टी मार्जिन से मेरी ट्रेड यहाँ पर विन हो चुकी है। ठीक है, अपनी एंट्री पॉइंट परफेक्ट थी। ठीक है, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन हो रहा है, कैंडल को रेड बनना था मेरे हिसाब से, कि इस कैंडल को रेड बनना था, बट यहाँ पर कैंडल जो है ग्रीन बनी है। ओके, मैं अभी वेट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 50 का राउंड नंबर है और उसके नीचे ही कैंडल ने जंप किया है, गैप डाउन किया है। ठीक है, तो अभी देख ले, तो मुझे पता है कि ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन सकती है, क्योंकि इस पॉइंट पर सेलर्स एक्टिव थे मार्केट में। ओके, इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव थे, तो इसका ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर गैप डाउन किया है। मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर 50 का राउंड नंबर है, 50 के राउंड नंबर के नीचे ही गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया है। सेलर को स्किप करके जा रहे हैं बायर। ओके, यहाँ पर चल के आ रहा है, ठीक है, वीक हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गैप अप हो चुका है, तो ये कैंडल यहाँ से रेड बन सकती है। ओके, बट मैं ट्रेड कोई भी प्लेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भी कंटिन्यू कर सकती है। ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर भी कंटिन्यू कर सकती है, तो अभी देख लेते हैं। सेलर नीचे की ओर कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, नेकलाइन से बाहर ऊपर रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। ओके, इसका रिएक्शन नोट करते रहना दोस्तों, अब क्या रिएक्शन है इसका, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, बायर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 74, ठीक है, इसमें फुल सेलर एक्टिव था दोस्तों। ओके, इसमें सेलर पूरी कोशिश किया था। ठीक है, मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है, इस कैंडल पर फुल सेलर एक्टिव थे, बट इसने यहाँ पर गैप डाउन किया है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, तो अभी वेट कर लेते हैं, क्या इसमें बायर्स की क्षमता है कि इस कैंडल को यहाँ पर ग्रीन बना ले। ओके, मैंने ओपनिंग प्राइस पर ही ट्रेड लगा दिया है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेड यहाँ पर लॉस भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बायर लगातार वीक हुए हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने नॉलेज जो भी मैंने वहाँ पर देखा है उसके हिसाब से मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया है, बट दिक्कत हो सकती है क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है। ठीक है, तो सेलर भी इंटर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार वहाँ पर बायर वीक हो रहे हैं। ठीक है, सेलर भी आना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग पुश मिला है। ओके ओके गुड, ठीक है, ओके ओके ठीक है, ये होता है दोस्तों नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड मेरी विन हो चुकी है,
ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन चुकी है, डीपली विन हो चुका है हमारा। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। कैंडल जा करके डायरेक्ट यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया है, लास्ट सेकंड पे बायर्स आए थे, ओके, इन्होंने डायरेक्ट क्लोजिंग कर दिया, तो हो सकता है सेलर यहाँ से रिवर्स कर ले, ओके, क्योंकि जो बायर्स आ रहे हैं वो गैप डाउन कर करके आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये सेलर का लेवल है, तो सेलर यहाँ पर आता है कि नहीं आता है वो यहाँ पर देखेंगे, ओके। अभी देख लेते हैं कि पीछे चल के आ रहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है, ओके। बायर लगातार वीक हो रहे हैं यहाँ पर, मार्केट में ट्रेंड डाउन है, तो मैं थोड़ा सतर्क रहूँगा, बायर के साथ भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर करेक्टिव वेव चल चुका था, ओके। यहाँ पर सेलर वीक हो रहा है लगभग, ओके, ठीक है ठीक है, रिकवर कर रहा है, तो ये कैंडल भी नीचे कंटिन्यू कर सकती है, बट मैं थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने अभी अभी एक हाई लगा करके आया, और नीचे देख रहे हो कि अब पीछे हैमर का कैंडल भी बना है दोस्तों, तो वहाँ यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर की ओर भाग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं वेट करूँगा क्योंकि मार्केट अभी रिवर्स हो रही है एक एम के नेकलाइन से, डब्लू के नेकलाइन से, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मार्केट यहाँ से लो लगाने की ओर नहीं जा रही है अभी, तो इनको यहाँ से लो लगाना था दोस्तों, ओके, कुछ इस तरह से मार्केट में ऐसा लो लगाना है। तो अभी देख लेते हैं क्या ये लो लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। यहाँ से फिर से मुझे बायर कंटिन्यूशन साइन दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन की, तो यहाँ से मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकती है, मुझे ये बतला रहा है अभी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, ओके, ठीक है। यहाँ पर कैंडल ग्रीन बना है, ओके, डोजी बन चुका है दोस्तों, ठीक है, डोजी बना है, तो यहाँ से ठीक है बायर कंटिन्यू कर सकता है, इजीली कर सकता है बायर कंटिन्यू, क्योंकि सेलर यहाँ पर वीक हो चुका है, तो बायर ही कंटिन्यू करेगा क्योंकि सेलर को यहीं से नीचे की ओर कंटिन्यू करना है, एक लोवर लो बनाना है मार्केट में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ये कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो मार्केट यहाँ से कॉल डायरेक्शन पर हो सकती है, ठीक है। मैं अभी अभी यहाँ पर देख लेता हूँ, जूम इन जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल सके, ठीक है, मार्केट के डायरेक्शन पता चल सके, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ओके, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बन रही है, ठीक है ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है सेलर के साइड से, ठीक है ठीक है, रिकवर कर रहा है, ठीक है। कैंडल यहाँ पर रेड पर कन्वर्ट हो गई है दोस्तों, ओके, और ये कैंडल के भी नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मेरे को यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है, तो वेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेलर आ रहे हैं, ओके, ठीक है। बायर ने पूरी कोशिश की थी ऊपर कंटिन्यू करने के लिए, बट लास्ट में सेलर का कैंडल यहाँ पर बन चुका है, ओके। तो अभी देखते हैं वहाँ पर ओवरलैप का लेवल है एंड 50 का भी राउंड नंबर का है लेवल, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, ओके, आज वीडियो जो है लंबी हो सकती है गाइस, ठीक है। अभी नेकलाइन भी है वहाँ पर, वहाँ से रिजेक्शन आ रही है कैंडल को, ठीक है, ओके, ठीक है, बायर्स आर इंटरेस्टेड, ओके, ठीक है। कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन सकती है, ओके, मुझे यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड चाहिए, मैं अभी वेट करूँगा इस कैंडल का, मुझे पता है कि कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन सकती है, ओके, क्योंकि सेलर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ऊपर शिफ्ट हो चुकी है सेलर की पोजीशन, और इस कैंडल पर फुल एक्टिव बायर्स हैं, जो आपकी अभी अभी प्रीवियस कैंडल में हैमर कैंडल बना हुआ है, फुल एक्टिव बायर्स एंटर हुआ है, तो सेलर की पोजीशन ऊपर है, तो कैंडल वहाँ तक कंटिन्यू करेगी, ओके। मैं हर एक कैंडल को रीड कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ कि उस पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर कंटिन्यू नहीं कर पाई है, ठीक है, तो यहाँ से बायर ऊपर कंटिन्यू करेंगे और मार्केट में एक हाई लगाएंगे, ये मुझे यहाँ पर बतला रहे हैं, ठीक है, मार्केट। तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको क्या हो रहा है, इस पर क्या चल रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, इसने गैप डाउन किया है, और वो गैप डाउन कहाँ पर हुआ है,
वो एक बार मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि गैप डाउन हुआ कहाँ है इसी। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा, मुझे ये गैप डाउन का रीज़न पता चल जाए। ओके, एक सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड होगी, होगी तो, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, 79 पर बायर्स थे, मुझे पता है। ओके ठीक है, टाइमिंग चला गया है, तो 79 पर बायर्स थे बट इन्होंने यहाँ पर गैप डाउन किया है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है क्योंकि बायर को ऊपर कंटिन्यू करना है। बट अभी अभी क्या हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी बाकी है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर बाकी है क्योंकि ट्रेंड डाउन है, इसी वजह से सेलर कंटिन्यू कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर इसका रिएक्शन नोट करते रहना। ठीक है ठीक है, वहाँ पर तो बायर्स थे जहाँ पर इसने क्लोजिंग की है। ठीक है, एक बार स्ट्रॉन्ग एंट्री आ जाए तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर वेट कर लेते क्योंकि यहाँ पर बायर्स था जहाँ पर इसने क्लोजिंग की है लगभग। ओके, बट सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर के आ रहा है तो थोड़ी यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ेगी मुझे। ठीक है ओके, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेता हूँ मैं, इस कैंडल की क्लोजिंग वगैरह देखेंगे कहाँ पर करवा रहे हैं। उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर क्या चल रहा है, बायर ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए बट सेलिंग प्रेशर है। ओके, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ठीक है, यहाँ से मैं कॉल डायरेक्शन की एक ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से कॉल डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अभी बायर ने रिकवर तो किया है बट वहाँ पर ओवरलैप का लेवल है, बट फिर भी मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया है। कैंडल यहाँ पर लॉस हो सकता है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैंडल जो है वो कंटिन्यूशन कैंडल है मार्केट में, बट वहाँ पर ओवरलैप का लेवल है इसी वजह से वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ठीक है, कैंडल नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी सेलर ने पुश कर दिया है उसे नीचे के साइड, तो ये कैंडल अब सीधा नीचे आएगी। ओके ठीक है, वेट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन बन जा, नहीं बनी। ठीक है, ये नीचे ही आ गई है। ठीक है ठीक है, एक बायर का पुश चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है ओके ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है, यहाँ से मैंने दो ट्रेड पुट डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। ओके, थोड़ा यहाँ पर रेंज पर चल चुका है यहाँ पर, तो अभी देख लेते हैं। रेड ग्रीन चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ से पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, अभी देख लेते हैं यहाँ पर कैंडल ग्रीन बन सकता, क्योंकि अभी तक बायर्स का जो 50% है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती कर दी है तो गलती का भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। ओके, तो मेरी जो ट्रेड हो गई है वहाँ पर लॉस हुआ है 300 का। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया है और ट्रेड मेरी काफ़ी नीचे लग चुकी है, ट्रेड मेरी काफ़ी नीचे लग चुकी है, तो गाइस यहाँ पर ट्रेड लॉस हो सकता है। ठीक है, 3 ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस किया है तो लॉस तो हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी ट्रेड जो है नीचे लग चुकी है। ओके, मुझे जल्दबाजी पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ओके, अभी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेट कर लेते हैं, 15 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है ओके, सेलर आ रहा है यहाँ पर, अभी 10 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुश मिला है 50 के राउंड नंबर से। ठीक है ठीक है, गैप डाउन किया है,
तो गैप डाउन किया है तो मैं यहाँ से पुट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँ, क्योंकि अभी भी सेलर नीचे कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, सेलर यहाँ से नीचे कंटिन्यू करना चाहता है। मैंने यहाँ से दो ट्रेड पुट डायरेक्शन की प्लेस की क्योंकि इसने एक लो भी इंडिकेट किया है मुझे। ओके, इसने मुझे लो इंडिकेट किया है, इसी वजह से मैंने यहाँ से पुट डायरेक्शन की एक और ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि कैंडल को दिक्कत है, इस लेवल से दिक्कत आई है, तो इसने गैप अप किया है इसका ब्रेकआउट करने के लिए। ठीक है, और सेलर यहाँ से नीचे कंटिन्यू करना चाहता है। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने फिर से दो ट्रेड प्लेस किए क्योंकि पिछली कैंडल्स पे मेरी लॉस हुई है। ठीक है, इस कैंडल पर और इस कैंडल पर लॉस हुई थी, 300 का लॉस हुआ था, 200 मैंने रिकवर किया है और अभी भी यहाँ पर मैंने रिकवर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन था तो मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए सोच रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लॉस किया है एक दो। ठीक है, तो ये डीप विनिंग पर, ठीक है, और ये यहाँ पर गैप डाउन किया है, तो गैप डाउन का रीज़न नहीं है मुझे पता। तो दूसरा पेयर देख लेते हैं, ये लास्ट ट्रेड होगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ओके, यहाँ पर क्या चल रहा है कि ट्रेंड यहाँ पर डाउन है मार्केट में, और ठीक है यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है डब्लू का भी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा जब अगर ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनती है तो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, इसका मैं रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें देखूँगा। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले मैं, ठीक है यहाँ पर देखते हैं। ओके, ठीक है, नीचे ही क्लोजिंग करवा रहे हैं इसके। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ, कैंडल ने गैप डाउन किया है उसका ब्रेकआउट करने के लिए, तो यहाँ से मैं कॉल डायरेक्शन ट्रेड प्लेस करूँगा। ये लास्ट ट्रेड है मेरी, चाहे लॉस हो या फिर विन हो। ठीक है, वैसे तो विन हो जाना चाहिए था, तो अभी देख लेते हैं इसी क्लोजिंग मैटर करेगी कि ये क्लोजिंग कहाँ करे और ट्रेड मेरी यहाँ पर विन होए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, ओके, वेट कर लेते हैं गाइस, वेट, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से थोड़ी ऊपर मेरी ट्रेड लग चुकी है। ओके, ओवरलैप है वहाँ पर, वहाँ से रिजेक्शन कैंडल को मिल सकता है और हो सकता है कि मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर दे, बट कैंडल को यहाँ पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से ग्रीन बनना है, बट ओटीसी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि फेक कैंडल रिएक्शन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी रिजेक्शन आई है कैंडल पर। ओके, ठीक है, ट्रेड मेरी यहाँ पर भी हो चुकी है, तो आपको भी ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है गाइस। ओके, प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।